नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के हिंदी का जो 6th लेसन है, मेरी वियतनाम यात्रा, जो कि भोला पासवान शास्त्री के द्वारा लिखी गई है, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले मैं इस लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही वीडियो को देख कर अपनी तैयारी करते रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक में इस पार्ट से टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं, मैंने सारे प्रश्नों को लिया है। तो देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हो ची मिन्ह के तस्वीर अंतः सलीला फल्गु नदी की तरह लेखक के हृदय को सींचती रही, लेखक हो ची मिन्ह से इतना प्रभावित क्यों हैं। सबसे पहले तो इस प्रश्न के अर्थ को समझते हैं कि ये प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक भोला पासवान शास्त्री जो हैं, जब पहली बार हो ची मिन्ह के तस्वीर को देखते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये तस्वीर उनके अंतर्मन को फल्गु नदी की तरह सींच रही है और लेखक हो ची मिन्ह से बहुत प्रभावित होते हैं। तो लेखक हो ची मिन्ह से इतना प्रभावित क्यों होते हैं ये बताना है। ऐसा करते हैं कि आप प्रश्न के अर्थ को समझ गए होंगे कि इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर है, एक बार की बात है, लेखक भोला पासवान शास्त्री किसी पत्रिका को पढ़ रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर में एक दुबला पतला सादगी का नमूना लहसुन नुमा दाढ़ी वाला व्यक्ति था। यह तस्वीर वियतनाम के महान नेता हो ची मिन्ह की थी। लेखक को ऐसा लगा कि उनके मन को अंतः सलीला फल्गु नदी सींच रही है, वह उनके बारे में पढ़ते ही चले गए। देखिए, एक बार की बात है, लेखक भोला पासवान शास्त्री किसी पत्रिका को पढ़ रहे थे। उस पत्रिका में अचानक वे एक तस्वीर को देखते हैं, उनकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है और उस तस्वीर में एक दुबले पतले सादगी का नमूना, यानी सादगी से परिपूर्ण एक व्यक्ति थे जिनकी दाढ़ी लहसुन नुमा थी, पतली दाढ़ी थी। कौन सी तस्वीर थी आप बगल में भी देख सकते हैं, मैंने इसका तस्वीर लगा दिया है बगल में, आप देख सकते हैं ये हो ची मिन्ह की तस्वीर है। वही हो ची मिन्ह जिनके बारे में आपने क्लास 10th के इतिहास में पढ़ा होगा, जो वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अंततः ये वियतनाम को आज़ादी भी दिलाते हैं और प्रथम राष्ट्रपति जो है इन्हीं को बनाया जाता है वियतनाम का। तो उस तस्वीर में कौन थे, उस तस्वीर में थे हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह के तस्वीर को देखकर लेखक जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसे देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि फल्गु नदी की तरह उनके हृदय को यह तस्वीर सींच रही है, यानी असीम आनंद की अनुभूति उन्हें होने लगी। आगे पढ़ते हैं, लेखक भोला पासवान शास्त्री हो ची मिन्ह से बहुत प्रभावित थे। इसका कारण है हो ची मिन्ह के कार्य और व्यक्तित्व। हो ची मिन्ह को वियतनामी स्वतंत्रता आंदोलन का मसीहा माना जाता है, उनका पूरा जीवन प्रेरणा स्रोत है। देखिए, लेखक भोला पासवान शास्त्री जो हैं हो ची मिन्ह से काफ़ी प्रभावित थे। इसका कारण क्या था, तो दो मुख्य कारण थे। एक तो हो ची मिन्ह के कार्य, जो उन्होंने कार्य किया था वियतनाम को स्वतंत्र कराने के लिए, और दूसरा उनका व्यक्तित्व, जो उनके चेहरे पर सादगी नज़र आती थी, उनकी जीवन शैली में जो सादगी नज़र आती थी, उससे काफ़ी प्रभावित थे लेखक भोला पासवान शास्त्री। तो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस प्रश्न के आंसर को और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझने के बाद स्वयं याद हो गया होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो, इस कथन पर विचार करें और अपना मत दें। देखिए, इस प्रश्न का अर्थ क्या हुआ,
इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती, यानी कि जो दूसरे देशों से संबंध है, दूसरे देशों के प्रति जो समझ है वो नहीं आ सकती है, वो पनप नहीं सकती है जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो, जब तक स्वयं के राष्ट्र का, स्वयं के देश का विकास न हो, अपने देश के प्रति समझ जो है वो विकसित न हो, तब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये कथन जो है, इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं, आंसर है प्रस्तुत कथन महान शिक्षाविद और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की है। भोला पासवान शास्त्री के इस कथन से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। प्रस्तुत कथन के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति समझ नहीं आता, तब तक उसे दूसरे राष्ट्र के प्रति समझ नहीं होगी। अपने राष्ट्र से परिचित व्यक्ति ही दूसरे राष्ट्र से संबंध जोड़ सकता है तथा निभा सकता है, अर्थात राष्ट्रीयता के पूर्ण विकास के बिना अंतर्राष्ट्रीयता संभव नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आंसर मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा है, आसान शब्दों में लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। किसी भी बुक से ये कॉपी नहीं किया गया है, ये खुद के शब्दों में बनाया गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में है, हो ची मिन्ह केवल वियतनाम के नेता बनकर नहीं रहे, वे विश्व दृष्टा और विश्व विस्तृत हुए, पाठ के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। देखिए, इसमें पूछा गया कि हो ची मिन्ह जो थे वो केवल वियतनाम के ही नेता बनकर नहीं रहे, यानी उनकी प्रसिद्धि जो है वो केवल वियतनाम तक ही सीमित नहीं रही, वो विश्व दृष्टा हो गए, यानी विश्व उनको देखने लगा, पूरे विश्व में वे प्रसिद्ध हो गए, विश्व विस्तृत हुए, यानी पूरे विश्व में उन्हें सुना जाने लगा, पाठ के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषता बताइए और बताना है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो चलिए देखते हैं। हो ची मिन्ह वियतनाम के महानतम स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके नेतृत्व में ही वियतनाम स्वतंत्र हुआ। वियतनाम के स्वतंत्रता के बाद इन्हें वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। दोस्तों, आपने हो ची मिन्ह के बारे में क्लास 10th में भी इतिहास की पुस्तक में पढ़ा होगा कि वियतनाम जो था वो फ्रांस का गुलाम था और हो ची मिन्ह के नेतृत्व में ही वहाँ का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था और वियतनाम को आज़ादी मिली थी। जिस तरह से अपने देश में महात्मा गांधी को जाना जाता है, उसी तरह से वियतनाम में हो ची मिन्ह को जाना जाता है। तो ये क्या थे कि महानतम स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी वियतनाम के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके नेतृत्व में ही वियतनाम फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। आगे पढ़ते हैं। इन्हें रहने के लिए एक भव्य महल दिया गया था जिसमें पहले फ्रांसीसी गवर्नर रहते थे, लेकिन हो ची मिन्ह ने इस महल में रहने से इनकार कर दिया और महल के पास ही एक साधारण से घर में रहने लगे। देखिए, जब वियतनाम स्वतंत्र हुआ तो वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो हो ची मिन्ह को ही बनाया गया और कायदे के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनको रहने के लिए आवास दिया जाता है। अपने देश में भी राष्ट्रपति को रहने के लिए राष्ट्रपति भवन दिया गया है, तो इन्हें भी एक भव्य महल दिया गया जिसमें कि पहले फ्रांसीसी गवर्नर रहते थे। जिस समय फ्रांस का गुलाम था वियतनाम, उस समय फ्रांसीसी गवर्नर जिस महल में रहते थे वो महल काफ़ी आलीशान था, बहुत भव्य था, तो वो दिया गया था इन्हें रहने के लिए, लेकिन ये उसमें रहने से इनकार कर गए। इनकी नैतिकता देखिए, इनकी ईमानदारी देखिए कि इन्होंने उस महल में रहने से इनकार कर दिया और कहा कि वे एक साधारण से घर में रहेंगे, और महल के पास ही एक साधारण सा घर था, वो उसमें रहने लगे। आगे पढ़ते हैं। वह घर आज भी सुरक्षित है, हो ची मिन्ह की खाट, बिछावन, तकिया और अन्य उपयोग की वस्तुएं वहाँ मौजूद है। तो देखिए, ये कितने साधारण जीवन जीते थे,
एक राष्ट्रपति होते हुए भी एक साधारण से घर में रहना पसंद किया उन्होंने, और इनकी मृत्यु के बाद आज भी उनकी जो खाट है जिस पर वे सोते थे, उनका बिछावन है, तकिया है, और उनकी उपयोग की जो भी वस्तुएं हैं आज भी वे धरोहर के रूप में रखी हुई है। आगे पढ़ते हैं इसी प्रश्न में। उपरोक्त बातों से पता चलता है कि हो ची मिन्ह सादा जीवन और उच्च विचार के एक बेहतरीन उदाहरण थे। उनकी सादगी, सच्चाई और जीवन शैली से संपूर्ण विश्व प्रभावित है। इस प्रकार हो ची मिन्ह केवल वियतनाम के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के नेता बन गए। तो देखिए, उपरोक्त बातों से यह पता चलता है कि हो ची मिन्ह जो थे वो सादा जीवन जीते थे और उनके विचार जो थे वो बहुत ऊंचे थे, यानी सादा जीवन और उच्च विचार के एक बेहतरीन उदाहरण थे हो ची मिन्ह। उनकी सादगी, सच्चाई और जीवन शैली से पूरी दुनिया प्रभावित थी। तो ये थी उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं, और इन्हीं विशेषताओं के कारण वे केवल वियतनाम के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नेता बन गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, जिंदगी का हर कदम मंजिल है, इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? समझते हैं इसके अर्थ को। जिंदगी का हर कदम मंजिल है, यानी जिंदगी में आप जो भी कार्य करते हैं, आप जहां भी जाते हैं, उसे आप अपनी मंजिल समझकर अपने मंजिल को समझेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी विदेश यात्रा की सोच रहे हैं और रास्ते में कहीं पर आपको रुकना पड़ता है, तो आप उस पड़ाव को भी मंजिल समझें, क्योंकि इंसान नहीं जानता है कि कब उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो आप जहां हैं उसे आप अपनी मंजिल मान करके चलेंगे। इस प्रश्न का यही आशय है, यही अर्थ है। इस मंजिल तक पहुँचने से पहले सांस रुक सकती है। आप जो मंजिल तय किए हैं, हो सकता है कि उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही आपकी सांस रुक जाए, आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं लेखक भोला पासवान शास्त्री? तो पढ़ते हैं। प्रस्तुत कथन लेखक एवं बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की है। लेखक एयर इंडिया के बोइंग विमान 707 यानी 707, यहाँ पर ध्यान देंगे कि लेखक वियतनाम के लिए निकलते हैं, तो वो किस फ्लाइट से, किस विमान से निकलते हैं? तो एयर इंडिया का बोइंग विमान 707 जो है उससे रवाना होते हैं वियतनाम के लिए। वो धरती से हजारों फीट होना चाहिए, वे धरती से हजारों फीट ऊपर उड़ान भर रहे थे। तभी उनके मन में विचार आता है, जीवन का हर कदम एक मंजिल है, नियत स्थान पर पहुंचने से पहले कब सांस व्यक्ति का साथ छोड़ देगा यह कोई नहीं जानता। यानी लेखक भोला पासवान शास्त्री जब हजारों फीट ऊपर उड़ रहे थे विमान में, तो उनके मन में एक विचार आया कि जीवन का हर कदम जो है वो एक मंजिल की तरह होता है, पता नहीं उसके आगे का मंजिल आप तय कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि यह जीवन लीला कब समाप्त हो जाएगी, आपकी सांसें कब रुक जाएगी, कब आपका साथ छोड़ देगी, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जीवन के हर कदम को एक मंजिल समझ के चलना चाहिए। जीवन और मृत्यु शाश्वत सत्य है, मौत रूपी दानव कब व्यक्ति को अपने खूनी पंजों में जकड़ लेगा कोई नहीं जानता। आगे कहते हैं भोला पासवान शास्त्री कि जीवन और मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य का मतलब होता है कि वो अटल है, वो हमेशा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। मौत रूपी दानव कब व्यक्ति को अपने खूनी पंजों में जकड़ लेगा कोई नहीं जानता। मौत रूपी दानव जो है कब किसी व्यक्ति को अपना आहार बना लेगा, अपने खूनी पंजों में जकड़ लेगा, यानी कब किस व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी ये कोई नहीं जानता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, वियतनामी भाषा में हांग खोंग और हुआ सेन का अर्थ क्या होता है? यानी आपको बताना है कि हांग खोंग और हुआ सेन का अर्थ क्या होता है वियतनाम की भाषा में। तो देखते हैं इसके आंसर को। वियतनामी भाषा में हांग का अर्थ रास्ता तथा खोंग का अर्थ हवा होता है। इस प्रकार हांग खोंग का अर्थ हवाई रास्ता हुआ। इसी तरह वियतनामी भाषा में हुआ सेन का अर्थ
कमल का फूल होता है। दोस्तों हांगखोंग का अर्थ क्या होता है? हवाई रास्ता। और हुआशेन का अर्थ क्या होता है? कमल का फूल। आगे पढ़ते हैं, वियतनाम में दो चीज़ें बहुत लोकप्रिय है, पहला होचीमिन तथा दूसरा हुआशेन। वियतनाम में दो शब्द जो हैं बहुत ही लोकप्रिय हैं, एक तो होचीमिन है जिनके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, और दूसरा हुआशेन जिसका अर्थ होता है कमल का फूल। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि मैकांग नदी के साथ उसका गहरा भावनात्मक संबंध है? पढ़ते हैं इसके आंसर को। वियतनाम में मैकांग नदी को महागंगा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह भारत में गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार वियतनाम में मैकांग नदी पवित्र मानी जाती है। इसलिए जब लेखक मैकांग नदी के ऊपर से हवाई यात्रा कर रहे थे तो उन्हें एक आध्यात्मिक तृप्ति का अनुभव होता है, अर्थात लेखक मैकांग नदी के साथ स्वयं का एक भावनात्मक संबंध की अनुभूति करने लगते हैं। तो समझते हैं इसके अर्थ को। दोस्तों होता ऐसा है कि जब ये वियतनाम की यात्रा पर जाते हैं तो पहले तो भारत से जाते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और बैंकॉक में होटल ओरिएंट में रुकते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था कि ये बैंकॉक में होटल ओरिएंट में रुकते हैं, और फिर वहाँ से बैंकॉक से ये उड़ान भरते हैं वियतनाम की राजधानी हनोई के लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो याद रखेंगे कि हनोई है। तो बैंकॉक से ये उड़ान भरते हैं हनोई के लिए, और रास्ते में एक नदी आती है जो कि वियतनाम में ही बहती है, उस नदी का नाम है मैकांग नदी। तो मैकांग नदी के ऊपर से जब ये उड़ रहे थे तो इन्हें ऐसा अनुभूति होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो गंगा नदी के ऊपर से उड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि मैकांग नदी को वियतनाम में महागंगा के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से भारत में गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, उसी तरह से मैकांग नदी भी पवित्र मानी जाती है। तो इसलिए इन्हें लगता है कि मैं गंगा नदी के ऊपर से ही उड़ रहा हूँ, और इनको एक आध्यात्मिक तृप्ति का अनुभव होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, हनोई साइकिल का शहर है, हम इस बात से क्या सीख सकते हैं? देखिए, हनोई यानी कि वियतनाम की राजधानी जो है, इसे साइकिलों का शहर कहा जाता है, इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? तो पढ़ते हैं इसके आंसर को। हनोई साइकिल का शहर है क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग साइकिल पर ही नजर आते हैं। बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि ईंधन वाले यातायात के साधन होते हुए भी लोग साइकिल का ही उपयोग अधिक करते हैं। इससे हम यही सीख सकते हैं कि हमें भी साइकिल का उपयोग करना चाहिए। यह कम खर्चीला, प्रदूषण मुक्त और सेहत के लिए लाभदायक है। तो हनोई जो है वो साइकिलों का शहर है। क्यों है? क्योंकि वहाँ अधिक उपयोग साइकिल का ही किया जाता है, और इससे हम यह सीख सकते हैं कि हमें भी साइकिल का उपयोग करना चाहिए। साइकिल उपयोग करने से फ़ायदा भी है क्योंकि ये कम खर्चीला होता है, या यूं कहे कि खर्चीला होता ही नहीं है, इसमें कोई भी खर्च नहीं है। शायद ही कभी मरम्मत करवानी पड़े तो उसमें पैसा लगता है, नहीं तो इसमें डीजल पेट्रोल वगैरह तो लगता नहीं है, और प्रदूषण मुक्त है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, और सेहत के लिए भी ये क्या है, लाभदायक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इस बुक का आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। तो चलिए देखते हैं, लेखक ने होचीमिन्ह का घर का वर्णन किस प्रकार किया है, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यानी इस पाठ में लेखक भोला पासवान शास्त्री जो हैं होचीमिन्ह के घर का वर्णन किस प्रकार करते हैं ये बताना है, और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है ये भी बताना है। तो पढ़ते हैं इसके आंसर को। होचीमिन्ह वियतनाम के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी तथा प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने आलिशान महल में रहने के बजाय एक साधारण से घर में रहना पसंद किया। वह घर आज भी धरोहर के रूप में वियतनाम में मौजूद है। यह घर राष्ट्र को समर्पित है। उस घर में कुल 2 कमरे हैं और चारों ओर बरामदा है। एक कमरे में उनकी खाट रखी है जिस पर वह सोते थे। खाट पर बिछावन और तकिया भी रखा है। बगल में एक छड़ी रखी हुई है जिसको लेकर वह बाहर टहलते थे। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें उस कमरे में रखी हुई है। दूसरे कमरे में उनकी लिखी हुई किताबें तथा कुछ अन्य किताबें जो वो पढ़ते थे वो रखी हुई हैं। इस प्रकार उनका यह घर
वियतनाम की जनता के धरोहर के रूप में आज भी क्या है, सुसज्जित है। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि किसी व्यक्ति का शानो शौकत नहीं बल्कि उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। हमें हो ची मिन्ह की तरह सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिलती है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का उत्तर जो है हम लोगों ने शायद क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैं ज़्यादा डील नहीं करता हूँ, डील करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो आशा करते हैं कि पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहूँगा और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय बिहार।